हमेशा की तरह चाइना ने कुछ ऐसा किया है जिसका खामियाजा सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। बात यहां तक आ चुकी है कि पंजाब और कुछ अन्य राज्यों पर अंधकार का खतरा मंडरा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये पूरा इश्यू क्या है और ये अचानक क्या कुछ हो गया जिससे एनर्जी क्राइसिस का खतरा इंडिया और बाकी देशों पर मंडरा रहा है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस इश्यू की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बढ़ने वाला है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से किन किन सेक्टरों पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजय। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हर बार की तरह शुरुआत होती है चाइना से। कुछ दिन पहले से ही चाइना में ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। कई सारे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है और कई सारी चीजों का प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। जो बिलबोर्ड्स होते हैं उन्हें लाइट नहीं मिल रही है। कई सारे शहरों में ट्रैफिक लाइट्स भी बंद है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि जितना कम हो सके उतना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम कर दो। तो ये सारा क्राइसिस आया कहाँ से है? उसकी जड़ है चाइना का एक अजीब डिसीजन। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, लेकिन यहाँ चाइना ने एक अजीब डिसीजन ली जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। WHO ने कोरोना वायरस का ओरिजिन ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जिसको सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया। इस बात से चाइनीज गवर्नमेंट को गुस्सा आया और कह दिया अब हम ऑस्ट्रेलिया से कोई भी कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि उससे कोल लेने वाला इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं रहेगा। जब तक कोविड चल रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रुका हुआ था, वहां पर कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही। वैसे भी चाइना का टोटल पावर कंजप्शन है उसका 59% पावर कंजप्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, लेकिन कोविड के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रैंप अप होने लगी और तेजी से बढ़ने लगी। इनफैक्ट चाइना का टोटल एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर चला गया और ऐसा कुछ चाइना ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक से आए इस टोटल डिमांड की वजह से पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आप यहाँ ग्राफ पर देख सकते हैं जो चाइना पावर जनरेशन के लिए जो कोल यूज कर रहे थे उसमें से आधा कोल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अभी गेम में है ही नहीं। वहीं चाइना पर वहाँ कुछ एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, उससे चाइना की 16 कोल माइंस बंद हो गई जिसका सीधा इम्पेक्ट पावर जनरेशन पर पड़ा। उसके बाद चाइना इंडोनेशिया और बाकी देशों से कोल इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो कंट्रीज इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो उस चीज की प्राइस बढ़ जाती। इसी के चलते पिछले 3-4 महीनों में कोल की प्राइस बहुत बढ़ने लगी। कई सारी चाइनीज कंपनी पावर खरीदने के लिए हिचकिचाने लगी और उस कंपनीज ने कोल खरीदना बंद कर दिया और पावर जनरेशन कम हो गया। इसके चलते कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो सवाल ये आ रहा है कि चाइना का इस ब्लैकआउट की वजह से इंडिया का पावर क्राइसिस से क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा लेना देना है। जैसे ही चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, तब ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रही थी किसी ऐसे बायर को जो रेगुलरली उनसे कोल खरीद, और उनकी नज़र थी इंडिया पर, और इसीलिए वो इंडिया की कई सारी कंपनीज को डिस्काउंट पर कोल देने लगे। और इसी के चलते इंडिया की सीमेंट कंपनी जैसे अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही बल्क में डिस्काउंट पर कोल लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ने लगी तो इन सारी कंपनीज ने बाहर से कोल लेना बंद कर दिया, जिसके चलते सारा जिम्मा आ गया कोल इंडिया पर पूरी कोल डिमांड को फुलफिल करने का। कोल इंडिया की पर टन प्राइस है 1300 रुपीज, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस से 18,000, यानी गैप बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इंडियन कंपनीज ने बाहर से कोल लेना बंद कर दिया और पूरा प्रेशर आ गया कोल इंडिया पर। पिछले कुछ टाइम में इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के टोटल में से 44% कंज्यूम इंडस्ट्रियल पर्पस पर होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंडिया में भी बढ़ने की वजह से पावर डिमांड 32% से बढ़ गई और इस बढ़ी हुई डिमांड को कोल इंडिया तुरंत फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते कई सारे पावर प्लांट्स को टाइम पर कोल नहीं मिल रहा है और इसी के चलते महाराष्ट्र और यूपी के कई सारे पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं और यही स्थिति धीरे धीरे अलग राज्यों में भी आ रही है। यहाँ पर अगर ये क्राइसिस तुरंत सॉल्व नहीं होता है तो इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट से कोल खरीदना पड़ेगा, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ना लगभग तय है। इसी क्राइसिस का कई सारे सेक्टर में असर होना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एल्यूमिनियम कंपनीज के टोटल कॉस्ट में से 40% कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एल्यूमिनियम और स्टील कंपनीज पर होगी। और ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया और चाइना तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस यूएसए और यूके में भी देखने को मिल रहा है। तो इस ग्लोबल कोल क्राइसिस की वजह से ऑयल पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जिसके चलते ऑयल प्राइस ऑल टाइम हाई पर चला गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट को भूलकर फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ग्रीन एनर्जीज पर ज्यादा फोकस करने लगे, जो कि हमें कोल के प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा की तरह आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।